क्रांतिकारी बहुत क्रांतिकारी में बनारस के इस ग्राउंड जीरो से हम एक बार फिर हाजिर हैं। कल से लेकर अभी तक बनारस की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बनारस क्या कुछ झेल रहा है। बनारस सिर्फ शोक का शिकार नहीं है, बनारस सियासत का भी शिकार है और इस बनारस ने जो कुछ झेला, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, इतने सारे लोग यहां पर इकट्ठा हैं, ये भी समझना चाहते हैं कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। शासन ने बताया है कि काशी में गर्डर के नीचे दबकर 15 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इसके साथ ही 16वीं लाश भी गिरी। काशी को बेचे गए क्योटो के सपने की, शंकर के त्रिशूल पर टंगी हुई काशी क्रोध और करुणा के संधि स्थल पर सियासत के दस्तूर का पन्ना पढ़ रही है। हमें ऐसा तो नहीं होना था, हम ऐसे क्यों हो गए। कई लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, उन्हें पता भी नहीं था। इस तरफ आए आप, यहां पर अगर इस तरफ देखें आप, ये गाड़ी के बम्पर टूटे हुए, जूते चप्पल, ये देखें आप, पूरी की पूरी गाड़ी अंदर समा गई इसमें। ये देखें आप, ये इस तरफ में कैमरामैन जो है इधर आइए, ये देखें आप, ये देखें गाड़ी किस तरीके से, गाड़ी के टुकड़े यहां पर पड़े हुए हैं। जो मैं तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि आखिर यहां पर गड़बड़ी कैसे हुई थी। बनते हुए बड़े बड़े पुल देखकर बनारस अब घबराता है। बनारस कभी शिकायती नहीं रहा, लेकिन शायद अब वो हार रहा है। जरा सोचिए, लाशों की कतार बिछी हुई है और पोस्टमार्टम के लिए रुपया मांगा जा रहा है। ये वीडियो इंसान के बेहया हो जाने का नया पाताल है। अस्पतालों के बाहर परिजन लाशों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बिना घूस के लाशें नहीं दी जा रही। वीडियो वायरल हुआ, शासन की किरकिरी हुई, तब जाकर डीएम का जवाब आया, जांच कराएंगे। ये उसकी जांच की जा रही है और अभी आधे घंटे के अंदर इसमें जो भी परिणाम होगा आपके सम्मुख आ जाएगा और ये स्पष्ट कर देंगे। किसी भी प्रज्ञे किसी भी स्तर के कर्मचारी ने इस प्रकार की कार्रवाई होगी, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। बनारस रो रहा है, वह बनारस रो रहा है जो मृत्यु का उत्सव मनाता है। वह बनारस रो रहा है जिसकी मणिकर्णिका पर हजारों बरसों से चिताओं की आग नहीं बुझी। वह बनारस रो रहा है जिसका ईश्वर मशान की राख से अपना श्रृंगार करता है। चिट्टी हो गई थी। अच्छा, यहाँ पूरी गाड़ी चिपटी हो गई, एकदम चिट्टी हो गई थी और जो बंदा था उसकी गर्दन एकदम चिट्टी हो गई थी। आपने कैसे मदद की लोगों की? हम लोग बस उठाने की कोशिश किए थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे ही ये इतना भयानक आवाज आया, इतना जैसे बम की तरह, तो हम लोग यहाँ से घर से बाहर निकले हैं। तो यहाँ देखे, इतना पूरा गिरा हुआ है, लेडीज फंसे हुए हैं, बच्चे फंसे हुए हैं। यहाँ एक लेडीज को इतना हेल्प किए, वो जिंदा थी अंदर। अच्छा, यह जो हुआ है क्या यह सिर्फ लापरवाही है? यह जो हुआ है क्या सिर्फ भ्रष्टाचार है? यह जो हुआ है क्या सिर्फ बद इंतजामी है? बनारस इस सवाल के जवाब खोजता है। बनारस पूछता है कि क्या विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की यात्राएं वाकई एक शहर के मुकद्दर को बदल देती हैं? वो ये है कि अभी भी अगर ऊपर आप देखें, ऊपर फ्लाईओवर पे देखें आप, जो बन रहा है अभी भी पिलर्स इंटरलॉक नहीं है, यानी कि ये खुला न्योता था एक दुर्घटना को लेकर, एक खुली कोताही थी। और इतना ही नहीं, बनारस में जब एयरपोर्ट से यहां तक हम पहुंचे हैं, पिछले आधे घंटे में हमने ऐसा कई बार एक जो फ्लाईओवर बन रहा उस पे भी देखा कई जगह कि जो पिलर्स हैं ऊपर उसमें इंटरलॉकिंग नहीं हो रही है। यह शोक का समय है। बनारस अपने आप से लड़ रहा है, लड़ रहा है अपने जोम से, लड़ रहा है अपनी आरती से, अपनी लहरों से, अपने भभूत से, लड़ रहा है कतान से, कबीर से, लड़ रहा है अपने जीवट के लोहे से। बनारस पूछ रहा है, हम बनारस क्यों नहीं अच्छे लगते? आपको हमें क्योटो क्यों बनाना है? वह सपना जो सड़कों से गुजरते हुए लोगों की जान ले ले, उसे तरक्की का फलसफा कह भी दें तो कैसे। बनारस बिलख रहा है, बनारस का आंसू, बनारस का दर्द। ब्रेक के बाद अधिकारी में इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें। ब्रेकिंग न्यूज ये है इस वक्त की, रमजान के दौरान कश्मीर में बंदूकें रहेंगी खामोश। ये एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। और इस बीच ये भी खबर आ रही है कि अगर आतंकवादी हमला हुआ तब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन रमजान के दौरान कश्मीर में बंदूकें खामोश रहेंगी, ये एक बड़ा फैसला। और अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात की जाए तो उसके लिहाज से ये बहुत बड़ा फैसला सरकार की तरफ से बात की जाए तो होगा ये। कश्मीर में रमजान के दरमियान
बंदूकों को खामोश कर दिया गया है, लेकिन अगर आतंकी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरीके से एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है कश्मीर में, जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी जितेंद्र, पूरी खबर बताएं। देखिए निशांत, जो जानकारी है गृह मंत्रालय की तरफ से मिल रही है उसके मुताबिक इसको कंडीशनल सीज फायर कहा जा सकता है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे थे और इन तमाम चीजों को देखते हुए जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि रमजान के महीने में खासतौर पर यहाँ फायरिंग ना हो, आम जनता को दिक्कत होती है। इन तमाम चीजों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने जो ये कहा है कि रमजान के महीने में ऑपरेशन लॉन्च ना किया जाए, ये जानकारी जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर सरकार को दी गई है। साथ ही इसमें कंडीशन ये भी लगाई गई है। यहाँ पर जानना चाहूंगा, ये एक अच्छा पहल है, अच्छी अच्छी कोशिश है, लेकिन हम बात कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती की, जिन्होंने न जाने कितने सारे पत्थरबाजों को छोड़ा और अब देख रहे हैं कश्मीर का हाल क्या हो रहा है उस घटनाक्रम के बाद। तो क्या ये समझा जाए कि ये पहल सिर्फ एक तरफा रहेगी, वहां से भी कुछ होगा? देखिए अभी तक तो जो महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार से गुजारिश की थी उसके आधार पर केंद्र सरकार ने कंडीशनल सीज फायर की बात कही है और ये कहा है कि सुरक्षा बल जो है रमजान के महीने में ऑपरेशन ना करें, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये लगाया है कि अगर सुरक्षा बलों और आम जनता या निर्दोष लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश की जाती है तो उनके खिलाफ ऑपरेशन जवाबी तौर पर किया जा सकता है, ये जानकारी दी गई है। यानी कि जो गुजारिश राज्य सरकार की तरफ से की गई थी उसमें कंडीशन लगाते हुए केंद्र सरकार ने अपनी संस्तुति दी है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ऑपरेशन उस दौरान जो होते थे जिसमें अगर आप देखते हैं कि ऑपरेशन के दौरान, आपको रोकूंगा, हमारे साथ फॉर्मर DGMO डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन विनोद भाटिया जी हमारे साथ है। सर, ये जो एक फैसला हुआ है ऐसे टाइम पर जब रमजान है, ऐसे टाइम पर जब वहां पर माहौल खराब है, आपका क्या टिप्पणी है इस पर? देखिए ये जो फैसला हुआ है, जो लिया गया है, जैसे कि रिपोर्ट करा जा रहा है, ये कंडीशनल ऑपरेशंस हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सिक्योरिटी सिचुएशन भी ठीक नहीं है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ठीक नहीं है, ये देश के लिए ठीक नहीं है ये, क्योंकि इसमें क्या होगा, अभी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी, और ये पाकिस्तान सपोर्ट करता है इनको, पाकिस्तान ही बताता है ये हमको, उसमें कोई शक नहीं है, ये अभी इस दौरान रीग्रुप करेंगे, इसको रिकूप करेंगे, और जैसे ही रमजान खत्म होगा उसके बाद वायलेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और इससे ज्यादा नुकसान होगा। और खास तौर से इस समय पे जब हमें बाकी चीजें भी अभी ड्यू हैं, वहां पर इकोनॉमिक सिचुएशन इफेक्ट होगी, और जो फौज है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वैसे ही बहुत ही, उनके पास रिस्ट्रिक्शन उनके पास बहुत ज्यादा पहले से होती हैं, उसके ऊपर और कंडीशन प्लेस करना, इसको कैसे उसको ऑपरेट करें। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। मंगलवार की अगर बात की जाए, जब यह हादसा घटा तब यहाँ पर काफी चहल पहल होती है और मंगलवार के दिन बनारस में सड़कों पर भीड़ ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना अमंगल निकलेगा। 100 टन से भी ज्यादा वजनी गर्डर जो होता है नीचे गिर जाता है, और फिर जब ये हादसा होता है इसके नीचे बसेस, मजबूत से मजबूत गाड़ियां, कार, स्कूटर, हर कुछ दब जाता है। ध्यान से देखिए रिपोर्ट। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार, निशब्द सदा हो गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों? क्या हुआ जहां पनाह तुम्हारे वायदे का, क्या हुआ तुम्हारे कायदे का, कहां गई तुम्हारी वाक पटुताएं, कहां गई वाह वाह, क्या खूब तालियां, हाजिर जवाबियां, आओ ना देखो ना महादेव की नगरी में मौत का लंगर, यमराज जीम कर गए हैं, चहकते हुए आदमी की सांसें, धड़कने, मस्तियां चाहते, आओ ना देखो ना देखो हुजूर, बिलखता है बनारस थोपी हुई विपदा पर। कल दोपहर में फोन करके कहेंगे हम आ रहे हैं घर पे शाम तक, इसके बाद से ना फोन एक भी बार आया हो भाई। तो फिर एक बार हॉस्पिटल से फोन आया कि आप लोग की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। बताना तो है पर लिखा नहीं जाता,
कहना तो है पर कहा नहीं जाता, श्वेत में मिला लोहू दिखाया नहीं जाता। तो देखो निजाम, देखो हिंदुस्तान, प्रजा के मालिक राजा महान, चुप है हमारा बनारस और चीखती है गंगा, सूख गए है कंठ और सिसकती है काशी, वो गंगा बहती हो क्यों। नहीं दिखता नष्ट हुई मानवता, भ्रष्ट हुई निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों। क्या सुननी है कहानी, किसको दिखाएं मरी हुई रवानी, चौका घाट से लहरतारा के लिए फ्लाईओवर बन रहा है, कैंट स्टेशन के पास काम चल रहा था, काशी अपनी रफ्तार में थी, कोई मंदिर जा रहा था, कोई मस्जिद, कोई स्टेशन जा रहा था, कोई घाट, कोई गया था गंगा नहान को और कोई जा रहा था शाम की अजान को। कि अचानक सारे दृश्य एक साथ थम गए, 100 टन वजनी गाटर फुल से जमीन पर आ गिरा और गाटर का गिरना था कि सड़क से गुजर रही बसें, कारें, टेम्पो, गाड़ियां सड़क से चिपक गई। क्या क्या इक्विपमेंट यहां पे इस्तेमाल में किए जा रहे हैं, जल्द से जल्द बचाओ। हम यहां पे कई सारे कटिंग इक्विपमेंट लेके आए हैं, जैसे आरपी सा है, चिपिंग हैमर ड्रिल है और स्प्रेडर कटर है, जिनसे हम इजीली जो गाड़ियां हैं या जो उनको हम काट सकते हैं। उसके अलावा एयरलिफ्टिंग बैग है हमारे पास, एक रैम सेट है जिनके थ्रू हमें जो हैवी लोड है उसको गाड़ियों पे से हटा सकते हैं। मजबूती के आईएसआई मार्के पर मौत ने अपनी मोहर छाप दी थी, गाड़ियों में बैठे हुए कुंतल भर के आदमी का वजूद मिट्टी में मिल गया था, चूरा हो गई हड्डियां, समझ में नहीं आया कि पहले दिल ने काम करना बंद किया या दिमाग ने, माटी के सोखते में सूख गया आदमी का रक्त। एक बैग रिवाइडर गिरा सर, बस थी सिटी बस थी और वो रिवाइडर सिटी बस के ऊपर गिरा, उसके बगल में हम लोग थे सर, और हम लोग तो बाइक उसी के अंदर दब गई सर, हमारा पैर फंसा। हम मोहनसरा से आ रहे थे सर, हम किनारे वाले ऑटो में थे, तब से पुल धड़ाक से गिरा, जब पुल गिरा तो हमारे पीछे 2-3 ब्लोरो थी, एक इंडिका थी, एक रोडवेज था, रोडवेज भरा हुआ था। तेज आवाज के साथ गिरने की आवाज आई और मैं निकल के बाहर भगा तो ये बीम जो है गिरा हुआ था और इसके नीचे एक मिनी बस, 5-6 कारें और कई बाइक वाले दबे हुए थे। उसको आधे घंटे तक चीख पुकार मची रही, पुलिस दौड़ी, एनडीआरएफ की टीम दौड़ी, सेना के लोग दौड़े, लेकिन जब तक मौके पर पहुंचते आधे घंटे का वक्त लग चुका था और इस आधे घंटे में यमदूत 15 लोगों की हाजिरी लगाकर लौट चुके थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से जो ज्ञाप प्राप्त हुआ उसमें एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई गई जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी उसकी जांच अध्यक्षता कर रहे हैं कमेटी की, और इसमें शीघ्र ही जांच करके जो कार्रवाई वो जो वहां से प्रस्तावित होगी वो कार्रवाई की जाएगी। जो है 100 टन का गाटर उठाने वाली क्रेन नहीं थी, मंगवानी पड़ी, समय लगा, लगना ही था, हम तैयार नहीं थे। जब तक मशीनें पहुंचती मौत अपनी कामयाबी की मुनादी पीट कर लौट चुकी थी और हम बच गए थे बस लाशें गिनने को, सो गिन लिया कुल 15। 20 लोगों को निकाला गया कि इसमें से अब ये कहना उस समय सही नहीं होगा कि कितने अब जिंदा निकाले हैं, क्योंकि कितने जीवित नहीं रख पा पाए हैं। अभी 6 गाड़ियां निकाली हैं, 5 गाड़ियां निकाले हैं और 3 गाड़ियां और हैं, और इसके बाद ही स्थिति का पूरा आकलन कर पाएंगे। लहरतारा से 5 किलोमीटर दूर रखी गई कारों की ये बेजुबान कतारें बिना कुछ बोले सब कुछ कह देती है कि जब इन पर उत्तर प्रदेश सेतु निगम का गाटर गिरा होगा तो इनमें बैठे लोगों की सांसों को उखड़ने में कितना वक्त लगा होगा। काशी काल के इस रौद्र रूप पर सन्न है, सन्नाटे में है बाबा विश्वनाथ की गलियां, किसका कहे कसूर, कैसे बांधे हिम्मत, ये कैसी है मार, गंगा की धार पर विपदा अपार। गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्र गामी बनाती नहीं हो क्यों। आज तक ब्यूरो। बनारस का ये सदमा अब सियासत से हिसाब मांग रहा है, दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। इस घटना में खाली बनारस के लोग ही परेशान नहीं हुए, ये देखिए ये नंबर बिहार की गाड़ी का है। छपरा की बात की जाए, मऊ की बात की जाए, गाजीपुर की बात की जाए, हर जगह मातम पसरा हुआ है, जिम्मेदारी किसकी।
कहने को गर्डर बनारस में गिरा है, लेकिन शोक की लकीरें देश के अलग अलग हिस्सों में फैल गई। कोई इलाज से लौट रहा था, कोई सवारियों को मंजिल तक ले जा रहा था, कोई निकला था काम की खोज में और कोई लौट रहा था काम के धाम से। इस बात से अनजान कि मौत जिंदगी की पीठ पर बैठ गई है और सांसों को खबर तक नहीं। बाहर में फोन करके कहेंगे हम आ रहे हैं घर पे शाम तक, इसके बाद से ना फोन एक भी बार आया वो भैया। उन्हीं के सहारे हमारे लोग का सबका खर्चा चलता है, घर में वही सब वही कमाने लाया है। छपरा के राम बहादुर सिंह अपने बेटे का दाखिला करवाने कोटा जा रहे थे, रास्ते में बनारस रुके, लेकिन आसमान में उड़ने के अरमान पर गडर गिर गया। अपने पुत्र जेम्स और पत्नी कुमकुम के साथ वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन जा रहा था अपने पुत्र को छोड़ने के लिए। बेटा जेम्स कोटा में पढ़ाई करता था, जिसे छोड़ने रेलवे स्टेशन जा ही रहा था कि रास्ते में घटना घटी। 47 साल के सुदर्शन राम का घर तो बिखरने की कगार पर है। ये जो बस आप गडर के नीचे दबी हुई देख रहे हैं, इसे सुदर्शन ही चला रहे थे। वो लखनऊ से बनारस के बस अड्डे पहुंचने ही वाले थे कि 100 टन की मौत सब कुछ ली गई। परसों सुबह को निकले थे, कल दोपहर में फोन करके कहेंगे हम आ रहे हैं घर पे शाम तक, इसके बाद से ना फोन एक भी बार आया। बनारस में गडर गिरा है और जौनपुर के इस घर पर आसमान टूट पड़ा है, गांव में कोहराम मचा हुआ है। रघुनाथ बहेलिया बस आधार नंबर बचे हैं, उनकी पत्नी की शिनाख्त भी आधार कार्ड से हुई, रामचेत को भी ऐसे ही पहचाना गया। एक ही परिवार के 5 लोगों की लाशें आई है। रघुनाथ अपनी पत्नी विद्या का इलाज कराकर BHU से लौट रहे थे। 25 साल का बेटा अरुण देखभाल के लिए साथ गया था, पहनोई रामचेत और रामचंद्र भी साथ में थे। 5 की लाश आई है, कफन कम पड़ गया। जी हमारे मामा जी थे और उनके साले थे और उनकी सराहत थी, उनके भतीजे थे। कितने लोग थे? जी 5 लोग थे, 5 की मौत हो गई। लोरस गए थे सुबह 9 बजे, उसके बाद डॉक्टर लेट थे तो रुक गए, उसके बाद 5 बजे दवा लेकर आने लगे, तब वही जो कैंट स्टेशन है बनारसी में उसी के नीचे पहुंचे तो वही पुल गिरा ऊपर और खबर आई एक तुरंत खत्म हो गया। हम लोग रात में गए थे मट्टी देख के आ रहे हैं। मिर्जापुर के पिपराही गांव में किसी को कुछ नहीं सूझ रहा। प्रद्युम्न बनारस में ऑटो चलाते हैं, उन्हीं की कमाई से परिवार चल रहा था, सवारी लेकर कैंट से गुजर रहे थे, लेकिन जैसे ही फ्लाईओवर के पास पहुंचे जिंदगी पर मलबे का पहाड़ आ गिरा। और क्रांतिकारी बहुत क्रांतिकारी में आज इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद कर्नाटक में कौन बनाएगा सत्ता का पुल, रोहित सरदाना के साथ दंगल में। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।